प्रदेश के सभी नौजवान साथियों को जय हिंद। जैसा आप सभी को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो एसएलपी डाली गई थी गोविंद यादव जी के नाम से, और उसी में हमारे कुछ भाइयों की एसएलपी कनेक्ट कराने के लिए अलग से ड्राफ्टिंग कराई गई थी, जिसमें 280 प्लस लड़के हैं। देखिए दो चीजें हैं, आप सभी ने सहयोग किया था जिसकी वजह से पहले आज का एक्ट हुई, और आप ही लोगों के बेहतर के लिए ही दूसरी याचिका डाली गई है, नहीं तो इसी में कनेक्ट करा दिया जाता। जितने के नंबर ज्यादा हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, और आप ही लोगों के भविष्य को लेकर अलग अलग तरीके से ड्राफ्टिंग कराई गई है, जिसकी वजह से कहीं से भी किसी भी भाई का नुकसान न हो। आप किसी ने 1,000 दिया है, किसी ने 10,000 रुपया अभी तक दिया है, तो ऐसा नहीं है कि जो पंकज मिश्रा की एसएलपी एक्सेप्ट है तो उससे आपका नुकसान है या आपका नाम अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। ये आप ही के भर्ती का एक पार्ट है, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 12 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है, जिसमें आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 280 प्लस लोगों का है। तो हम लोगों का जो जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जितने भी अपने भाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक याचिका किए हैं या इस केस को लड़ रहे हैं, तो प्रयास यही है कि सबका सिलेक्शन हो। किसी से दुश्मनी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो या आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो उससे मुझे खुशी मिलेगी, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। चाहे एक कैंडिडेट हो, चाहे 1,000 हो, जितने भी भाई सुप्रीम कोर्ट में हैं, ज्वाइनिंग सबकी होनी चाहिए। वो कितने भी नंबर कम है, सिलेक्ट है, नॉट सिलेक्ट है, इसलिए कि प्रयास सबका है, और आप ही सबके सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मुकदमा चल रहा है। आपने देखा होगा 2486 जो दरोगा की ट्रेनिंग करके वापस आए थे, आज वही लोग मुकदमे को जीत कर फिर से वापसी किए हैं। तो मेरी ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आप सबके परिवार का साथ, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से आप सभी आएंगे। जितने भी भाइयों की एसएलपी 12 तारीख को सुनवाई होनी है, जिसमें सीनियर अधिवक्ता खड़ा करना है, एक सीनियर अधिवक्ता कंपलसरी है, इसके आगे की जो डेट होगी उसमें भी सीनियर अधिवक्ता होंगे, तो आप लोगों को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। मैं सभी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि कल दोपहर 12 बजे तक 1,000 रुपए पर कैंडिडेट, जितने भी हमारे संघर्ष समिति में साथी हैं, 2 से 3 लोग जो भी जुड़े हैं, 200-300 लोग, सभी लोग 1,000 रुपए ईमानदारी से अपने लिए, अपने उन भाइयों के लिए जो आपके लिए लड़ रहे हैं। यह व्यक्तिगत किसी एक की लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश की है। तो आप सभी लोग महेश गुप्ता के अकाउंट में कल तक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ये मेरा आग्रह है। जैसे ही कल आप 12 बजे तक सभी लोग कर देंगे तो सीनियर अधिवक्ता शाम को क्लियर हो जाएगा, और 12 तारीख को सुनवाई करके आप सबकी आज का एक्सेप्ट हो जाएगी, तो गोविंद वाले फाइल में कनेक्ट हो जाएंगे आप सभी लोग। जितने भी भाइयों का भी नाम नहीं शो हुआ है, 2, 4, 10, 50 जो भी छूटे होंगे, उन सभी की याचिका भी अगली फाइल में या जैसे भी होगा उनका भी नाम शो हो जाएगा। इसके लिए कोई भी भाई साथी परेशान ना हो। कल हमारी टीम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी, तो मेरा आप सभी से पुनः आग्रह है, 1,000 रुपए अपने लिए, अपनी भर्ती के लिए आपको देना है, कहीं से भी एडजस्ट करिए। पैसा जीवन में बहुत आएगा, चला जाएगा, लेकिन ये 1,000 आपका, आपकी लड़ाई है, किसी दूसरे की नहीं है। जितने भी 300 साथी हैं, पुनः आग्रह है कि महेश गुप्ता के अकाउंट में जरूर कर दीजिए। बाकी जैसे भी कल सीनियर अधिवक्ता के लिए फीस हो जाएगी, शाम को आप सबको पुनः अपडेट करा देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।